बैर हो न किसी का किसी से, भावना बदले की ना हो, इसी विश्वास के साथ देश के मणिपुर में शांति सौहार्द बना रहे, इसके लिए नागपुर शहर के संविधान चौक पर सभी राजनीतिक व सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नैश नुसरत अली द्वारा किया गया। इतनी भी आपको दर्द महसूस नहीं हुआ कि मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले आपने 8 मिनट 26 सेकंड बोला और मणिपुर पे केवल 36 सेकंड, उसमें भी आपने राजस्थान और बंगाल को इन्वॉल्व किया, यानी उसमें भी आपने गंदी राजनीति की। नागपुर के संविधान चौक पर हुए प्रदर्शन में उपस्थित वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के शहर अध्यक्ष काजी शफीक अहमद एवं विशेष तौर पर प्रदर्शन में शामिल होने वर्धा से आए हुए वरिष्ठ समाज सेवी स्टीवन रॉबर्ट ने इस अवसर पर राष्ट्रीय खबरिया चैनलों पर समाज में जहर फैलाने का आरोप भी लगाया। हम देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर खुलेआम जो है वहाँ इंसानों को जलाया जा रहा है, बच्चों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को खुलेआम उनको नंगा किया जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कहाँ गायब हो गए, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, ये एकदम दरिंदगी पैदा हो गई है कि इन्होंने कैसा ये प्लानिंग जो बनाया है। तो अगर से ये उनको अगर वहाँ की ज़मीन अगर खाली करना होता और उसके लिए उनको कुछ समय दिया जाता और अगर वहाँ से ज़मीन खाली होती तो ये अपने काम भी कर सकते थे, वरना इसका जवाब ये नहीं था कि उनको इतने बेदर्दी से बर्बाद करना, उनके घरों को जलाना, हमारी जो है महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार, खुलेआम रोड पे लाके नंगा करना, उसके बाद में अभी आज सुबह का मैंने वीडियो देखा हो कि एक महिला को जो है 4 लोग खींचते ले आ रहे हैं, गुड़िया है जहीज हाथ पर जोड़ रही है, बाप उसका होकर छोटा नन्ना सा बच्चा रो रहा है, ये दरिंदे जो है इनको जरा सा भी जो है इनका खून का सफ़ेद हो गया है कि इन्होंने थोड़ा सा भी किसी पर रहम नहीं खाया और जिंदे के जिंदे उनको जला दे रहे, उनके घरों को जला दे रहे। तो इसमें पूरा देश में जो है जितने भी जो है संगठन है, जितने पॉलिटिकल पार्टियां है, सभी जो है आवाज़ को उठा रहे और सभी जो है अपने जो है धरनों को बोल रहे, बस एक चीज़ से जो है सारा देश की सारे संगठन है, सारे पार्टियां, सारे लोग, सारे समाज के लोग इसमें जो है वो आवाज़ जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही है, क्योंकि गोदी मीडिया और मीडिया जो है इन्होंने इसको अपने मुट्ठी में रखा है। ये एक नंबर के लुच्चे और एक नंबर के लफंगे, ये इतने गंदी सोच के है कि इन्होंने झूठे चीज़ों को वायरल करते हैं और सारे देश की जितनी भी जनता है इनकी साइकोलॉजी को जो है इधर टर्न करते हैं ताकि दूसरे लोगों का ध्यान ना जाए। अभी हमने देखे होंगे कि थोड़ी 15 दिन पहले की एक बात है, किसी एक लेडी को इन्होंने हाईलाइट किया है जिसके साथ 4 बच्चों को कि पाकिस्तान से यहाँ आ गई, ताकि सीमा हैदर जैसा कि वो पूरा देश जो है सीमा हैदर को देख रहा है और उधर बाड़ों में लोग बह रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने इतना बेहतरीन प्लानिंग बनाया कि जनता बेवकूफ़ है और हम इनको जो है सीमा हैदर को लेके इधर हाईलाइट कर दे। और एक मुद्दा ये है कि अपने देश के अंदर में ये हो रहा है कि वो जो है एक जो समाज को टारगेट करते हैं सारी समाज के साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए, एक मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, वरना इनका मकसद ऐसा नहीं है, बल्कि मीडिया के ऊपर जो देखे लोगों को जो है आज जो वो राज चला रहे हैं कि लोगों को लग रहा है हाँ मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बल्कि वो उनके निगाह में कोई भी समाज, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दरिंदे है और ये अंग्रेज़ों के जो है पिट्टू है, क्योंकि जिस पीरियड में अंग्रेज़ों को भगाया गया था इसी तरह से ये लोग हैं। और देश की जनता अगर एक जुट बन के अगर इनको भगाने में 2024 के अंदर सब पूरी देश की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लो और समय हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीने का समय हमारे पास बचा है, 6 महीने के समय में अगर पूरे देश की जनता अगर एकजुट होकर रोड पर अगर आती है तो पता हमको ये चलेगा कि जैसा अमेरिका का ट्रंप जो नीचे ज़मीन के नीचे से भाग रहा था, श्रीलंका का हमारे अभी सामने जो है अभी नज़ारा जो है प्रेमदास, तो ये सब चीज़ें जनता पर डिपेंड करती है। जो ये मुद्दा है जो आप कह रहे हैं कि डेमो है करके, मतलब ये डेमो जो है दर्शकों को बताइए कि क्या है ये, आपके हिसाब से क्या प्लानिंग है?
मैं यानी शुरुआत से इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि जो मैथी समाज है, कुकी है, नागा है, तो मैथी समाज वहाँ 51 से 52% और इनकी जो सोच है, जो गोधरा में इन्होंने किया था वो डेमो सक्सेस हुआ करके आज प्रधानमंत्री ये पद पे पहुँचे बराबर। और उसके बाद अब इनका आजीवन ये हमारी सत्ता चलते रहे करके ये डेमो लिया गया है, किंतु ओबीसी समाज तो ये हिंदू समाज कहते हैं वो भी पूरे भारत वर्ष में 52% है और बाकी हम डिवाइड है, कुछ क्रिश्चियन है 3%, 18-19% मुस्लिम लोग है, तो इनको इन्होंने डिवाइड करके रखा है बाकी के समाज को। तो ये चाहते हैं कि अगर मणिपुर में ये चीज़ सक्सेस होती है तो पूरे भारत वर्ष में जिस तरह गोधरा का फैलाया गया, गुजरात का फैलाया गया, उसी तरह इस तरह हम पूरे भारतवर्ष पे राज करें। नहीं तो क्या जरूरत थी, वहाँ पे 2 सिर्फ लोकसभा की सीट है, लेकिन हम कुछ भी डेमो देते हैं, दुकान में गए तो छोटी सी चीज़ पे बताता है, वो डिटेल नहीं बताता, बाद में वो बड़ी चीज़ आपको लाके देता है। तो ये बड़ी चीज़ करने का एक कारण है और उस पर कि तो अभी मीडिया में तो कुछ दम ही नहीं रहा। तुम सुबह देखेंगे तो सीमा हैदर, अंजू थॉमस, अब जो मेन व्यक्ति है इसमें कि झारा, जिसने प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस का DRDA का संयोजक है, वो संयोजक की व्हाट्सएप चैट लीकेज हुई, लेकिन बताया गया कुछ ही बताया नहीं गया व्हाट्सएप चैट के बारे में। वो कितनी बड़ी बात है, अपने भारत के सुरक्षा का मामला है और उस पर ये चुपचाप है, बता क्या रहे सीमा हैदर, अंजू थॉमस ने गालियां दे दी पति को, पति पत्नी का झगड़ा बता रहे, अरे तुमने क्या किया 72 में, तुम तो यशोदा बहन को छोड़ के भाग गए, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बताओ ना, कल ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि अंजू थॉमस गालियां दे रही है फोन पे, और वो बताया जा रहा था न्यूज़ चैनल पे, शर्म आ रही थी वो न्यूज़ चैनल देखते वक्त कि क्या बता रहे हैं। और सही में इसी तरह देश अपना बर्बादी की ओर ढकेलने को जा रहे हैं मोदी और शाह जब वहाँ पे गए तो वो घटना हो चुकी थी, महिलाओं को वहाँ पे नग्न घुमाया जा चुका था, सुरक्षा एजेंसी तुम्हारी है, भारत सरकार की है, उन्होंने बताना चाहिए था और उन्होंने यहाँ आके उस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लिया गया नहीं, वो चुपचाप रहे, वो वीडियो वायरल होने की राह देखते हैं। एक शर्मिंदगी भरा शर्म से ऐसा, जब न्यूज़ चैनल देखते हैं ना तो शर्म आती है, जब तक रवीश कुमार थे तब तक देखने की इच्छा होती थी, लेकिन मजबूरी से देखना पड़ता है, कि तो उनकी भी बातें हमको मालूम होना चाहिए, हमने क्या रिएक्शन करना है ये भी मालूम होना चाहिए।